नमस्कार, बस्ती से मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आज अपने निर्धारित समय से करीब 19 मिनट लेट हूँ। यद्यपि मैं आज आने की स्थिति में ऑनलाइन नहीं था, लेकिन फिर भी तमाम साथियों के फ़ोन लगातार बजते रहे और मैं आपके बीच भागता हुआ आया। मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ और तुरंत एहसान करने के बाद आपके बीच। जहाँ तक आज के क्लास की बात है, आज के इस क्लास में बहुत, हालांकि देखिए विनोद कुमार जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और 9 अन्य साथी भी इस समय लाइन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मिस्टर उदयभान मलिक जी हैं, अविनाश मलिक जी हैं, और आप सब मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दीपक कुमार जी भी आ चुके हैं लाइन पर। तो मैं समझता हूं कि आप में से अगर 20 साथी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मिस्टर समीर पात्रा जी भी हैं, मिस्टर राज नारायण साहू जी भी लाइन पर आ चुके हैं, और आप सब मुझे अपने गुरु के रूप में मेरा प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। पिनाकी गराई जी भी आ चुके हैं एक बहुत अच्छे स्टिकर के साथ, और मैं समझता हूं कि आज सब आप पेन मैनेजमेंट और यशवाई पर चर्चा सुनने के लिए मेरी देर रात प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मिस्टर संजय कुमार और हृदेश शर्मा जी, बीके श्रीवास्तव सुल्तानपुर, आप सब लाइन पर हैं। चरानंद धापलपुर हैं, मिस्टर चिदानंद जी संभवतः पहली बार मुझे आप मेरे इस क्लास में दिख रहे हैं। चलिए, जो पहली बार आते हैं उनका तो और ज़ोरदार स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मोहम्मद जमील जी भी लाइन पर हैं, नरेंद्र पटेल जी भी गुजरात से लाइन पर हैं, मिस्टर राय साहब यादव जी हमारे प्रिय शिष्य इस समय लाइन पर हैं, जी आर सैनी, डॉक्टर आर पी सैनी मथुरा से, यश कुमार नमस्कार कर रहे हैं आप सब, मिस्टर राय साहब यादव जी आप स्टिकर भेज करके लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। गुरदेश जी लाइन पर हैं, प्रणाम जी। मिस्टर विजय लाला जी ये कानपुर से हैं, आपका भी स्वागत है। मिस्टर पवन जायसवाल जी नमस्कार, आपका नमस्कार तो मुझे हमेशा स्वीकार रहता है। तो चलिए, अब क्लास लेने भर को हमारे लगभग 30 साथी इस समय लाइन पर आ चुके हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेन मैनेजमेंट का प्रश्न है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पेन के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग दवाओं का समावेश किया गया है। मिस्टर शाहरुख सफ़ी जी भी इस समय लाइन पर हैं, और मिस्टर बिमल बिहारी लाल जी आप सबका नमस्कार है। हमारे बहुत से साथी 10वें लाइन में आकर के और 15 मिनट मेरी प्रतीक्षा करने के बाद वापस चले गए होंगे, तो जो साथी आज इस ऑनलाइन क्लास को हमारे विलंब से आने के कारण नहीं सुन पा रहे हैं, मैं उनसे खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी निजी व्यस्तता के कारण आपके बीच थोड़ा सा विलंब से आया। मिस्टर बिमल बिहारी लाल जी नमस्कार कर रहे हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, आप सबके नाम बहुत हो गए, अब पेन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास पेन मैनेजमेंट में S5C7BE, F1 VEN1 और C1, यानी S5C5BE। आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? बीना बोरा जी भी लाइन पर आ चुकी हैं, आरिफ मोहम्मद खान, सई अरोरा जी आप सब लाइन पर हैं। हमारे यहाँ S5C7 और B, ये सब लाइन पेन मैनेजमेंट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण औषधि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मानी गई है। और इसके साथ हम जोड़ देते हैं F1 VEN1 और C1। अब ये 6 दवाएँ, यानी दो फार्मूले पेन मैनेजमेंट के बनाते हैं। पहला फार्मूला हमारा है S5C7 और B, और दूसरा है F1 VEN1 और C1। अब अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी पेशेंट को,
और यस 5C7B से पेन उसका डाउन तो हो रहा है लेकिन फ्रिक्वेंट में है, रुक रुक के पेन बढ़ता है घटता है, पेन बढ़ता है घटता है, तो हम उसमें F1, Ben1 और C1 का प्रयोग करते हैं। चूँकि F1, Ben1 और C1 ये कंप्लीट सीधे जाकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली प्रपोज्ड करती हैं, डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं ये मेडिसिन, और उसमें यस 5C7 और B ये हम अलग से देते हैं, और दोनों दवाओं के अंतराल पे हम 15 मिनट का अंतर रखते हैं। यानी पहले हमारी जो तीन दवाएं हैं यस 5C7B, इसको हम 20 ड्रॉप से शुरू करेंगे और 50 ड्रॉप तक अधिकतम देंगे, यानी 20-20 ड्रॉप्स ईच मेडिसिन, और द बेस ऑफ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज हम इसको 50 ड्रॉप तक ले जाएंगे। मिस्टर सदान मंडल जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, और कल आपका भी सवाल था। और दूसरे 15 मिनट के अंतराल पर हम F1, Ben1 और C1 देंगे, तो आप देखेंगे कि पेन मैनेजमेंट के लिए जो ये मैंने फार्मूला तैयार किया है, निश्चित रूप से रोगी को दर्द होगा। हाँ, जो कैंसर का रोगी है, कैंसर के रोगी में हमको इंस्टेंट पेन रिजल्ट के लिए इस फार्मूले में 20 ड्रॉप के बजाय 30 ड्रॉप से शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम 30 ड्रॉप्स को लेकर के 50 ड्रॉप के बीच में इसको रखेंगे। टंग्स का कैंसर हो, जीभ का हो, गले का हो, लंग्स का हो, या बॉडी पर आउटर पार्ट में कहीं कैंसर हो, ट्यूमर में हो, इसमें जो होने वाले दर्द हैं उस दर्द में हम ये दोनों फार्मूलों का प्रयोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से रोगी को दर्द में आराम मिलेगा। अब कई बार हमारे साथी लिखते हैं कि सर हमने दवा आपके फार्मूले पे शुरू किया, शुरुआती दौर में रिजल्ट अच्छा मिला लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। अब वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी दवाएं RS की हैं या डिस्टिल वाटर में उन्होंने किस कंपनी से मंगाया है, या डोज उन्होंने किस हिसाब से दिया है। हमारे बहुत से साथी अभी तक मेरे फार्मूलों को समझ नहीं पाए हैं, वो सीधे D3 से निकाल करके पेशेंट को दे देते हैं, जबकि मैं 450 ml से आपको निकाल करके डोज बताता हूँ। ये जो डोज मैं आपको बताता हूँ ये 450 ml की बॉटल के डोज हैं, यानी 20-50 ड्रॉप। फिर जब आप 30 ml में इसको मिला देंगे तो रोगी को, चूँकि चाहे वो पेन, चूँकि पेन मैनेजमेंट की बात है, हमको पेन कंट्रोल करना है, तो रोगी को हम वहाँ भी 30-50 ड्रॉप के बीच हर आधे घंटे बाद लगातार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार तक दे सकते हैं। जब रोगी ये कहे कि मुझे दर्द में अब राहत महसूस हो रही है तो फिर डोज आप कम करते चले जाइए, और नेक्स्ट डे आप दिन भर में 4 बार दीजिए। यानी पहले दिन आप हर आधे घंटे बाद 8 बार डोज दीजिए, यानी 4 घंटे में 8 बार उसको डोज दे दीजिए, और उसके बाद रोज रोक दीजिए, फिर पूरे दिन मत दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको दिन भर में, यानी सोने का समय नहीं जोड़ा जाता है, आप 18 घंटे के अंदर 6 डोज बना लीजिए, यानी 3-3 घंटे पे 1-1 डोज दीजिए, तो और लगातार फिर इस पेन मैनेजमेंट वाले फार्मूले को आप 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखिए जरा, फिर हमें बताइएगा कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है या जो मेरा फार्मूला है ये आपको कितना सटीक लगा। हो सकता है कि अगर हमारे 50 साथी इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 10 साथियों को अच्छे रिजल्ट ना मिलते हों, चाहे उनकी मेडिसिन की कमी के नाते, क्वालिटी के नाते, या उनके डोज देने में, या उनके दवा बनाने में, या उनके यहाँ मेडिसिन बहुत दिनों से रखी रही हो, उसका यूज़ नहीं किया गया हो और बाद में उसको उठाया गया हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाएँ एक्सपायर कर जाती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिनों तक जिन दवाओं का उपयोग आप नहीं करते हैं तो पहले तो उन दवाओं को आप हिला करके फिल्टर पेपर से छान लीजिए। छानने के बाद फिर उसमें देख लीजिए कि क्या इसका वही ट्रांसपेरेंट, क्लियर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है जो जब दवा आई थी, या कुछ आपको अलग लग रहा है। अगर अलग लग रहा है, थोड़ा गाढ़ापन लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी डिस्टिल वाटर से या RS से मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा अगर आपने RS का ले रखा है तो उसमें थोड़ा सा RS और मिला दीजिए, अगर आपने डिस्टिल वाटर का ले रखा तो उसमें थोड़ा डिस्टिल वाटर मिला दीजिए। यानी जहाँ तक मेडिसिन आपने ली थी वहाँ तक जब आप इसको ले लेंगे तो फिर आपकी मेडिसिन रिफ्रेश हो जाएगी। सलाम जी, अगनी जी सलाम आपका कबूल है, और मिस्टर मयूर बी गौरकर भी पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं अपने नए साथी का स्वागत करता हूँ। मनोज कुमार सिंह भी आ चुके हैं लाइन पर, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी भी लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है। हालांकि मैं आज क्षमा चाहता हूँ कि आप सब ने काफ़ी देर तक मेरी प्रतीक्षा की और मैं उसके बाद आपके बीच आ पाया।
चंद्रशेखर शुक्ला जी भी आ चुके हैं, मनोज यादव जी भी आ चुके हैं। पिनाकी गैरी जी कह रहे हैं पेन मैनेजमेंट पर 30 ml बॉटल में कितना ड्रॉप मिलाएंगे। ये मैं आपको मनोज गिराई जी, ये मैं आपको 30 ml के बॉटल में ही मिलाने की बात कर रहा हूँ कि आप 450 ml से निकाल करके आप 20-50 ड्रॉप जिस तरीके से रोगी के रोग की गंभीरता को आपके सामने लाया गया हो उस हिसाब से मिनिमम 20 ड्रॉप्स और मैक्सिमम आप इसको 50 ड्रॉप तक दे सकते हैं 30 ml में, और फिर उसी में से निकाल करके रोगी को एक कप गुनगुने पानी में या फ्रेश वाटर में आप रोगी को देंगे तो स्वाभाविक है कि जल्दी से उसके रोग में हम कवर कर लेंगे। कभी लेट आता हूँ सर, लेकिन मैं रोज़ आता हूँ। मयूर जी कह रहे हैं लेट आते हैं लेकिन रोज़ आते हैं। चलिए धन्यवाद आपका, हो सकता आप लेट आते हो तो मैं नाम चूंकि नहीं पढ़ पाता हूँ बाद में, तो हो सकता आप आते हों। मिस्टर विजय लाल पूछ रहे हैं कि 450 ml मेडिसिन में RS कितना डालें। देखिए 450 ml बॉटल में अगर आपको फ्रेश आपके, तो आप चूँकि कानपुर के हैं और मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ और मैंने मेस्टर्न रोड कानपुर पर डिस्टिल वाटर की बड़े अच्छी अच्छी दुकानों का देखा, और वहाँ से डिस्टिल वाटर अगर आप लेते हैं वहाँ पे तमाम डिस्टिल वाटर को देने वाले लोग हैं जो गैलन में और ड्रम में डिस्टिल वाटर देते हैं और बहुत अच्छे डिस्टिल वाटर देते हैं। तो अगर आप अच्छी दुकान से अच्छी क्वालिटी की डिस्टिल वाटर लेते हैं और आप महीने में 50 पेशेंट ही देख पाते हैं और 450 ml की बॉटल लगभग आपकी 6-7 महीने तक यानी 1 साल तक वो ख़राब नहीं होगी, जो डिस्टिल वाटर कानपुर में मिलता है मेस्टर्न रोड पर, आप एक बार ट्राई कर लें। लेकिन अगर आपको जरा भी संदेह है तो आप 450 ml की बॉटल में केवल 20 ड्रॉप आप RS मिला दीजिए तो आपकी दवा ख़राब नहीं होगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं पेन मैनेजमेंट के बाद SY की। SY मीन सिंथेसिस मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन थी जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एकमात्र कंपाउंड मेडिसिन वन ग्रुप के मेडिसिन को लेकर के बनाई गई थी। वन ग्रुप का मतलब इसमें S1, L1, C1, Ven1, F1 और Ver1 की प्राथमिकता थी, बीच में A3 और P2 भी मिला दिया गया। अब A3 और P2 का चुनाव इसमें सारी तो 1 को रखा गया, यहाँ पे A1 नहीं रखा गया या P1 नहीं रखा गया, इनके दो कारण हैं जो मेरी समझ में आया। मैं किसी लेखक की आलोचना नहीं करता या मैं किसी किताबों की लिखी लिखाई रटी रटाई बातों को नहीं करता, चूँकि वन ग्रुप की मेडिसिन इसमें जितनी थी, वन ग्रुप इज योर टॉप मेडिसिन ऑफ द ग्रुप, यानी S1 अपने ग्रुप की सबसे टॉप मेडिसिन है, C1 अपने ग्रुप की सबसे टॉप मेडिसिन है, L1 अकेली मेडिसिन है, Ven1 अकेली मेडिसिन है, F1 भी F1 और F2 में F1 सुपीरियर है और Ver1 और Ver2 में Ver1 सुपीरियर है। और चूंकि ये अपने पहले फ्रेश वर्क को कवर करती हैं, उसके बाद सेकेंडरी मेडिसिन यूज होती है, यानी जहाँ पे Ver1 काम नहीं हो पा रहा वहाँ पे हम Ver2 देते हैं, जहाँ पे F1 काम नहीं हो पा रहा वहाँ हम Ven2 देते हैं, जहाँ पर P1 काम नहीं कर पा रहा वहाँ हम P2 देते हैं, तो इस नाते इसको एक विशेष प्रकार की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, लंग्स में, पूरे के पूरे रिस्पिरेटरी चैम्बर में, हमारे कह सकते हैं कि आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन में, आपके किडनी पर, लीवर पे, यूरेथ्रा पे, यूरिनरी ब्लेडर पे, सब पर ये आपकी मेडिसिन जो सिंथेसिस में मिलाई गई है, ये मेडिसिन उन ऑर्गन्स को प्राइमरी बेसिस पर यानी प्राथमिक स्तर पर, जिसको हम कह सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको मान के चलिए कि SY इज ए फर्स्ट एड मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी, सॉरी इन इलेक्ट्रोहोमोपैथी, नॉट ऑफ, यानी फर्स्ट एड है ये। अगर रोगी आपके पास आया है और आपको उसके विभिन्न समस्याओं में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं तो प्राथमिकता देता हूँ कि उसको आप L1 और A3 देकर के भेज दीजिए, लेकिन विभिन्न अनुयायियों ने SY को एक स्पेशल कंपाउंड मेडिसिन के रूप में इलेक्ट्रोहोमोपैथी में स्थान दिया, और इस इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस कंपाउंड मेडिसिन में जो औषधियाँ मिली हैं वो S1, L1, C1, Ven1, F1 और Ver1 है। इसमें A3 और P2 ये दो मेडिसिन आपकी अलग रखी गई, चूँकि A3 आपकी हर्ट्स के सिस्टम को कवर करती है, हर्ट पर कवर करने के बाद हम आर्टरीज और वेंस पर उसका प्रेशर देख सकते हैं, ब्लड के फ्लो को चेक कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को चेक कर सकते हैं, और P2 ये हमारे लंग्स की दवा है तो लंग्स को कवर करने में सारे के सारे ऑर्गन्स इससे कवर हो जाते हैं। मैं पुष्पा सिंह जी भी आ चुकी हैं उड़ीसा से और अरुण कुमार जी उन्नाव से आ चुके हैं। मिस्टर नेपथ डी, सर जी प्रणाम, डॉक्टर नरेंद्र पंजाबी बाग से, दिल्ली से, डॉक्टर विजय लाला थैंक यू सर बोल रहे हैं। मिस्टर प्रदीप सोनी जी भी आ चुके हैं जबलपुर से।
तो चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है और मैं निर्धारित समय से आज लेट हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम समय में अपने दोनों चैप्टर्स को समेटने की कोशिश की है। जहाँ तक यशवाई को जानने की इच्छा कई लोगों को थी कि यशवाई के बारे में बताएं, तो यशवाई मेरे हिसाब से ये फर्स्ट एड मेडिसिन है। किसी भी रोगी के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप यशवाई मेडिसिन का प्रयोग कर लें, क्योंकि ये आपके ऑलरेडी सेरेबेलम पर आपके मस्तिष्क के जो सोच केंद्र है, सोच केंद्र का मतलब जहाँ चिंतन और मनन करते हैं, उस केंद्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और जेनिटल ऑर्गन्स पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, इंटेस्टाइन पर, स्टमक पर, लंग्स पर, किडनी पर। चूँकि इसमें ऐसे दवाइयों का चुनाव किया गया है, ऐसी दवाइयों का कंपाउंड आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि इन दवाओं का असर हमारे सब के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आज का मौसम बहुत सुहावना है, हो सकता है रात में देर सवेर यहाँ पर बारिश की तेज धमक हो और मानसून सत्र आरंभ हो ही चुका है आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो उत्तर प्रदेश की भी मौसम कुछ सुहाना लग रहा है और आज अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज न मैं आपके सवाल ले पाया चूँकि मैं लेट आया हूँ, सवाल आपके तमाम लोगों के थे और तमाम अच्छे सवाल थे, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि पहले आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँ, फिर मैं अपने किसी अलग से टॉपिक पर आपसे चर्चा करूँगा। तो आज बस इतना ही, देर आने के लिए अपने सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। हेमंत कुमार जी, राजेश कुमार जी आपकी बुक यहाँ से जा चुकी है, आज पोस्ट हो गई है, और कृपया आप इसको हमें बता दीजिएगा कि क्या स्थिति है आपके ट्रैकिंग मार्क की। सई अरोड़ा जी, डीपी अहिवार जी, हेमंत कौर जी, हरमीत कौर जी, आप सब आ चुके हैं लाइन पर, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।